मनुष्य समाज का तीसरा समुदाय किन्नर समाज, जिनकी बद्दुआ से हर व्यक्ति डरता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किन्नर किसी को बद्दुआएं दे दे तो उसका विनाश हो जाता है। लेकिन मित्रों, किन्नरों के इसके अलावा तीन और ऐसे रहस्य हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला, क्या किन्नरों की शादी होती है? मित्रों, हम आपको बता दें कि किन्नरों की भी शादी होती है। किन्नर अपने आराध्य देव अरवान से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। मान्यता है कि अगले दिन किन्नरों के आराध्य देव अरवान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के साथ किन्नरों का विवाहित जीवन खत्म हो जाता है। दूसरा, किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों होता है? मित्रों, किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया जाता है ताकि कोई सामान्य व्यक्ति मृत किन्नर की शव यात्रा को ना देख पाए, क्योंकि माना जाता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति मृत किन्नर की शव यात्रा को देख लेता है तो उसका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में होता है। तीसरा, मृत किन्नर को जूते चप्पल से क्यों पीटा जाता है? मित्रों, हम आपको बता दें कि मृत किन्नर को जूते चप्पल से इसलिए पीटा जाता है क्योंकि अन्य किन्नरों का मानना है कि मृत किन्नर को जूते चप्पल से मारने पर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में नहीं होता। चौथा, ना उड़ाएं किन्नरों का मजाक। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप किन्नर का अपमान करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं तो आपका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में हो सकता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। इसलिए आपके घर या दुकान पर कोई किन्नर आता है तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान करना चाहिए और कहना चाहिए फिर आइएगा। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाज़त। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।